जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह 50-50, 100-100 रुपए बचा कर कभी जा कर के ये 100 लाख के बराबर होगा। कमा के पति देते हैं लेकिन बचाती कौन है? औरत। घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, ये होता था तुम एक बहू हो, केवल बहू की तरह ही रहो। हम चोरी से जब समूह में जुड़े, कोई बार मीटिंग में तो हम नहीं जाते थे लेकिन पैसा जो है हम उनको दे देते थे। समूह से हमें बचत की हमारे अंदर जो है वो भावना आई, हम एक दिन में 2 रुपये बचाएंगे तो जाके हमारे 1 महीने में 60 रुपया होता है। हमारी जो सास थी उन्होंने 500 रुपया लिया था लेकिन हम लोगों को पता नहीं थी, जब हमें पता चले तो जाकर के उसका 25,000 रुपया हुआ था ब्याज जोड़ के। तो हम 25,000 रुपये अपने समूह से लेकर के जो है उस सेठ महाजन के हाथ से छुटकारा हमको मिला। अपने समूह से पैसा लेकर के हम जो है अपना आजीविका करते हैं। और हमारे घर परिवार वाले एकदम खुश हुए, जो उनको अब जो है और भी विश्वास बढ़ा, तब से हमारे ऊपर कोई रोक टोक कोई बंधन भी नहीं। अभी 25 दिसंबर को जो है हमारे पति ने जो है नोएडा में जो है जमीन ली, तो उन्होंने हमसे चर्चा की कि आप भी जो है कुछ मदद कर सकते हो, दे दीजिए। हम कहें क्यों नहीं देंगे जो है, लेकिन जमीन होगी तो हमारे ही नाम पे होगी। जैसे आज हम ये सोचते हैं कि जैसे हम गरीबी से बाहर आए हैं, उसी तरह सारी बहनें को जो है, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के बहनों को जो हम गरीबी से बाहर लाना चाहते हैं।